हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है 10 एनिमल्स विच कैन चेंज देयर कलर, यानी 10 ऐसे जीव जो अपना रंग बदल सकते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस 10 एनिमल्स के लिस्ट में मैंने कमेलियन यानी गिरगिट और इंसान को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों रंग बदलने के मामले में बहुत पॉपुलर है और सब इनके बारे में भली भांति जानकारी रखते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीव रंग क्यों बदलते हैं। रंग बदलने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, शिकारियों से बचने के लिए। दूसरा, शिकार करने के लिए। तीसरा, सेम स्पीशीज़ के दूसरे जीवों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब मैं एक एक करके 10 जीवों के बारे में आपको बताता हूँ। पहला है बिग ब्लू ऑक्टोपस, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑक्टोपस साइनिया। यह इंडियन और पैसिफिक ओशंस में पाया जाता है। इस ऑक्टोपस के पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। जब भी ऑक्टोपस किसी शिकार या शिकारी को देखता है, तभी ऑक्टोपस का ब्रेन इन क्रोमेटोफोर्स को सिग्नल भेजता है और वह कलर चेंज करते हैं। ऑक्टोपस के स्किन के नीचे कुछ ऐसे मसल्स भी होते हैं जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑक्टोपस को स्मूथ या उबड़ खाबड़ अपीयरेंस देते हैं। फिर आता है व्हाइट बैंडेड क्रैब स्पाइडर, जिसका साइंटिफिक नेम है मिसिमोनॉइडस फॉर्मोसाइप्स। तो ये स्पाइडर येलो और वाइट के बीच में कलर बदल सकते हैं और उसे चेंज करने के लिए 3 दिन तक लग सकते हैं। व्हाइट कलर इनके एपिडर्मिस में प्रेजेंट गुआनाइन और यूरिक एसिड के वजह से आता है, और येलो कलर ओमोक्रोम पिगमेंट्स की वजह से आता है। ये स्पाइडर्स फूलों के बीच कलर चेंज करके छुपते हैं, जिसे कैमोफ्लाज कहते हैं, और दूसरे कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। तीसरे नंबर पर है कटलफिश। कटलफिश की बहुत सी प्रजातियाँ रंग बदल सकती है। कटलफिश को समुद्र का गिरगिट भी कहा जाता है, क्योंकि यह 1 सेकेंड के अंदर अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं। कटलफिश अपने स्किन का कलर शिकारियों से बचने के लिए और कैमोफ्लाज के लिए यूज करते हैं। कटलफिश अपने स्किन का कलर पैटर्न और शेप दूसरे कटलफिश के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और अपने शिकार को हिप्नोटाइज करने के लिए भी चेंज करते हैं। इनके स्किन के नीचे स्थित क्रोमेटोफोर्स, इरिडोफोर्स और ल्यूकोफोर्स को यूज करके यह जीव अनेक कलर पैटर्न और शेप चेंज करते हैं। चौथे नंबर पर है एक बीटल, जिसका नाम है गोल्डन टॉर्टोइस बीटल। इसका रंग सोने की तरह दिखता है, क्योंकि यह लाइट रेज को अपने एक्सोस्केलेटन में रखे फ्लूइड या तरल पदार्थ से रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब बाहरी कंडीशंस चेंज होते हैं, तो बीटल में उस लिक्विड को सुखाने की दुर्लभ क्षमता होती है, जिसे इसका रंग बदलकर डार्क रेड हो जाता है। इसके एक्सोस्केलेटन में बहुत से लेयर्स होते हैं, जिससे फ्लूइड को यह एडजस्ट करके लाइट के अलग अलग वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट करता है और भिन्न प्रकार के रंग बदलते रहता है। साइंटिस्ट को यह पता नहीं चला है कि बीटल रंग क्यों बदलते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह बीटल को एक जहरीले इंसेक्ट की तरह दिखाकर शिकारियों को दूर रखने में मदद करता है। फिर आता है एक मेंढक, जिसका नाम है पैसिफिक ट्री फ्रॉग। ये अपना कलर ब्राउन से ग्रीन में बदल सकता है, लेकिन ये अपने सराउंडिंग को मैच करने के लिए कलर चेंज नहीं करता और ना ही उसका इस कलर चेंज पे कंट्रोल होता है। इसके स्किन के क्रोमेटोफोर्स नामक सेल हवा के टेम्परेचर और नमी के हिसाब से कलर चेंज करते हैं, जिसका मतलब है कि कलर चेंज फ्रॉग पे नहीं, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। नंबर 6 पे आता है फ्लाउंडर। यह एक मछली की स्पीशीज है जो अपने एनवायरनमेंट को मैच करने के लिए कलर चेंज करते हैं। यह प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और इसको अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यह सिर्फ 8 सेकेंड्स में कलर चेंज करते हैं और इसके लिए अपनी नज़र और हार्मोन्स को यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये चेस के चेकरबोर्ड्स की तरह भी कलर चेंज कर सकते हैं। 7वें नंबर पे है सी हॉर्सेस। सी हॉर्सेस भी क्रोमेटोफोर्स का यूज़ करके कलर चेंज करते हैं, शिकारियों से बचने के लिए और दूसरे सी हॉर्सेस से कम्युनिकेट करने के लिए। अब देखते हैं मिमिक ऑक्टोपस, जिसका साइंटिफिक नेम है थॉमॉक्टोपस मिमिकस। यह ऑक्टोपस कलर चेंज करके दूसरे एनिमल्स को मिमिक करता है, जैसे कि सी स्नेक, जेलीफिश, लायनफिश, सी एनेमोनी, मैंटिस श्रिम्प, क्रैब्स और फ्लैटफिश। शिकारियों को डराने के लिए कैमोफ्लाज के तौर पर और शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए कलर चेंज करता है।
इस ऑक्टोपस के स्किन के नीचे भी क्रोमेटोफोर्स होते हैं। 9वें नंबर पे आते हैं स्क्विड्स। ये भी दूसरे कटल फिश और ऑक्टोपस जैसे सेफालोफोड्स की तरह रंग बदल सकते हैं और कैमोफ्लाज, कम्युनिकेशन, प्रोटेक्शन और शिकार करने के लिए यूज करते हैं। 10वें और आखिरी नंबर पे आते हैं बेटा फिश, जिसे साइमिस फाइटिंग फिश के नाम से भी पहचाना जाता है। यह एक एक्वेरियम पेट फिश है जो वक्त के साथ उम्र, स्ट्रेस या बीमारी की वजह से रंग बदलते हैं। अगर आपके एक्वेरियम में यह मछली है तो आपने उसे रंग बदलते ज़रूर देखा होगा। तो ये हो गए 10 रंग बदलने वाले जीव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।